जय जिनेन्द्र, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जो संगनी मनुष्य की बात पर हम कल अटके थे, उस पर से ही हम आगे जाएंगे। समूचे मनुष्य का हो गया था, संगनी मनुष्य पे हम अटके थे। तो संगनी मनुष्य की नाणता, संगनी मनुष्य जब पृथ्वी काय में उत्पन्न होते हैं तब 12 नाणता होते हैं और जघन्य गमक में 9 नाणता होते हैं। अवगाहना, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, योग, समुद्घात, आयुष्य, अध्यवसाय और अनुबंध, ये 9 नाणता संगनी तिर्यंश के जघन्य गमक की समान है। और उत्कृष्ट गमक में 3 नाणता होते हैं, अवगाहना, आयुष्य और अनुबंध। ये मनुष्य का हो गया कल। अब देवों की बात है। भवनपति देव जब पृथ्वी काय में उत्पन्न होंगे, समूची मनुष्य, संगनी मनुष्य का आ गया। अब भवनपति देव, वैमानिक, वाणवेंतर, भवनपति, सब में से, सब देव योनि में से यहाँ आकर एक इंद्रिय में जीव उत्पत्ति पृथ्वी काय में होती है। असुर कुमार से लेकर स्तनित कुमार तक सभी भवनपति के 10 के 10 विभाग में से यहाँ आकर उत्पन्न होंगे। तब जब उत्पन्न होंगे तब उनकी स्थिति कितनी होगी? तो भगवान कह रहे कि ये गौतम जघन्य से अंतर्मुद उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष की स्थिति में देव पृथ्वी काय में उत्पन्न होते हैं और एक साथ में जघन्य 1, 2, 3 और उत्कृष्ट, जघन्य से 1, 2 या 3, 3 से ज्यादा नहीं, और उत्कृष्ट से संख्यात या असंख्यात। तो जघन्य से उत्कृष्ट लेकर सब आ गए, जैसे 3 के बाद ज्यादा उत्पन्न हो गए तो वो उत्कृष्ट में उसको गिना जाएगा। तो संख्यात और असंख्यात उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी काय में उत्पन्न होने वाले उस भवनपति देव के शरीर का संग्रहण क्या है? तो 6 प्रकार के संग्रहण से रहित हो जाते हैं, असंग्रहणी बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई संग्रहण नहीं आएगा, यहाँ तो जो छिवट्टू जो है वो ही रहेगा। लेकिन इष्ट, कांत और मनोज्ञ पुद्गल उसके शरीर संघात के रूप में परिणमन होता है। देव में से आएंगे तो उनका जो भी शरीर संघरण का परिणमन है वो इष्ट, कांत और मनोज्ञ पुद्गल के रूप में होगा। उनकी अवगाहना 2 प्रकार से होगी। देखिए, पृथ्वी काय के जीवों की अवगाहना 2 प्रकार से बताई है, भवधारिणी और उत्तर वैक्रीय। भवधारिणी अवगाहना जघन्य से अंगुल के असंख्यात विभाग जितनी और उत्कृष्ट से 7 हाथ की होती है, भवधारिणी। और उत्तर वैक्रीय शरीर की अवगाहना जघन्य से अंगुल के असंख्यात विभाग और उत्कृष्ट से 1,00,000 योजन की होती है। उनके शरीर 2 प्रकार के हैं, भवधारिणी उत्तर वैक्रीय। भवधारिणीय जो है वो समचतुरस्र संस्थान वाला और उत्तर वैक्रीय जो है वो अनेक प्रकार के संस्थान वाला होता है। उनको 4 लेश्या, 3 दृष्टि, ज्ञान 3 नियमा, अज्ञान 3 विकल्प से, योग 3, उपयोग 2, संज्ञा 4, कषाय 4, इंद्रिय 5, समुद्घात 5 और वेदना 2 प्रकार की होती है। ये देव की बात हुई है, ये पृथ्वी काय की बात नहीं हो रही। असुर कुमार देव की बात हो रही है, बराबर। दो प्रकार की भवधारणीय शरीर और उत्तर वैक्रीय शरीर असुर कुमार देव को मिलेगा। उत्तर वैक्रीय वो बनाते हैं, उनको 4, उनको लेश, चार और चार, पहली 4 लेशिया। हाँ चलो, तुम्हें पूछो, ना ना जता रही है ना, पूछ लेना।
लेश्या चार दृष्टि तीन ज्ञान तीन नियमा अज्ञान तीन विकल्प से, विकल्प के रूप में अज्ञान होंगे, क्योंकि अगर ज्ञान होंगे समकिति होंगे तो अज्ञान का अज्ञान की संभावना कम हो जाएगी। योग भी तीन, उपयोग भी दो, संज्ञा चार, कषाय भी चार, इंद्रिय पांच, समुद्घात पांच और वेदना दो प्रकार की होती है। देखिए यहाँ ये बताया गया है, आज आपको ये बात की पता चल रही है, असुर कुमार देवों में भी आपको संकित देव मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, भवनपति देव में भी आपको सम्यक दृष्टि देव मिलेंगे, उनकी संकिति दृष्टि मिलेगी, उनको तीन ज्ञान मिलेगा। पांच समुद्घात मिलेगी, मिलेगा। स्त्री वेदी या पुरुष वेदी होते हैं, नपुंसक वेद नहीं होता है, तो ये देव में अवश्य स्त्री वेदी मिलेगा। और उनकी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, फर्स्ट नारके की जघन्य वही जघन्य इनकी भी, उत्कृष्ट अधिक एक सागरोपम, अध्यवसाय असंख्यात होते हैं, प्रशस्त अप्रशस्त दोनों होते हैं, अध्यवसाय जो जैसे जैसे कर्म उत्पन्न होंगे वैसे वैसे उनके अध्यवसाय उस प्रकार से प्रशस्त, कर्म की उत्पत्ति के वक्त प्रशस्त और अप्रशस्त होगा तो अप्रशस्त। अनुबंध स्थिति के अनुसार संवेद भवादेश से दो भव और काल आदेश से जगन्य से 10,000 वर्ष और अंतर्मुहूर्त अधिक, उत्कृष्ट एक सागरोपम और 22,000 वर्ष अधिक, इतने काल तक वो गमनागमन करेंगे। पृथ्वी काय से निकल कर वो जब देव बनेंगे तभी भी एक सागरोपम और 22,000 हो जाएगा, क्योंकि दोनों भव में इतना समय जाएगा। मध्य के तीन गमक, अंतिम तीन गमक, ये छह गमक में असुर कुमारों की स्थिति के विषय में विशेषता होती है, शेष अधिक गमक की वक्तव्यता अनुसार लब्धि और काय संवेद हमें को जान लेना चाहिए। संवेद में सर्वत्र दो भव धारण करने और नवे गमक में कालादेश से जगन्य और उत्कृष्ट साधी के एक सागरोपम में 22,000 वर्ष अधिक, इतने काल तक वो गमनागमन करेंगे। बराबर, जगन्य से भी दो ही भव, उत्कृष्ट से भी दो ही भव, ये है असुर कुमार का पृथ्वी काय के साथ काल आदेश। नाग कुमार देव पृथ्वी काय में उत्पन्न होते हैं तो कितने काल की स्थिति वाले उसमें उत्पन्न होंगे? नाग कुमार देव की स्थिति जघन्य से 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट से 102 पल्लियों पर, अनुबंध भी वैसा ही होगा, कालादेश से जघन्य 10,000 वर्ष और अंतर्मूर्त अधिक, उत्कृष्ट देशों 2 पल्लियोपम। बराबर, इस प्रकार से 9 गमक में, सभी गमक में असुर कुमार के गमकों की तरह ही जानना है, मगर काला देश और स्थिति अलग है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, असुर कुमार देव में उनका जो काल है वो एक सागरोपम है, साधिक एक सागरोपम 22,000 वर्ष, लेकिन यहाँ पर मात्र 2 पल्लियोपम आएगा। ठीक है, सागरोपम से पल्लियोपम बहुत छोटा हो जाता है, जघन्य स्थिति 10,000 और 2 पल्लियोपम उतनी आयु। दस भवनपति देवों में पृथ्वी काय में उत्पत्ति संबंधी संक्षिप्त विचारणा बताई गई है। परिमाण है देव एक समय में, देव एक समय में एक दो तीन अथवा संख्यात या असंख्यात उत्पन्न होते हैं। संग्रहण, देवों का शरीर संग्रहण रहित होता है, उनमें हाड़मास आदि सात धातु नहीं होती, लेकिन इष्ट कांत प्रिय और मनोज्ञ पुद्गल शरीर संघात के रूप में वो उनका परिणत
होता है। अवगाहना वो देवों की उत्पत्ति के समय की भवधारणीय अवगाहना, जघन्य से अंगुल के असंख्यात विभाग और उत्कृष्ट से सात हाथ की होती है। उत्तर वैक्रिय शरीर की अवगाहना भी जघन्य अंगुल के असंख्यात विभाग और उत्कृष्ट 100,000 योजन की होती है। अब उत्तर वैक्रिय जो शरीर है वो संकल्प पूर्वक बनता है, इसीलिए उसमें भवधारणीय शरीर जितनी सूक्ष्मता नहीं होती, इसलिए उनकी अवगाहना अंगुल के असंख्यात विभाग जितनी नहीं, लेकिन अंगुल के असंख्यात भाग जितनी ही होगी। ठीक है, अंगुल के संख्यात विभाग जितनी होगी, असंख्यात विभाग जितनी नहीं, मगर संख्यात विभाग जितनी अवगाहना होगी। उनका संस्थान है वो भवधारणीय शरीर का संस्थान समचतुरस्त्र, और जब देव अपना उत्तर वैक्रिय शरीर बनाएंगे तब अपनी उनकी खुद की इच्छा अनुसार विविध संस्थान वो बना सकते हैं। अज्ञान उनको 3 अज्ञान विकल्प से होगा, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। असंग्नि तिरंज पंचेंद्रिय में से आए हुए देव को अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होता, इसलिए अज्ञान 2 होता है। शेष देवों में नियम से 3 अज्ञान और 3 ज्ञान अथवा 3 ज्ञान होता है, या तो 3 अज्ञान होगा या 3 ज्ञान होगा। संकीति है तो 3 ज्ञान है, और संकीति नहीं है, मिथ्यात्व है, तो 3 अज्ञान। उनका संवेद भवादेश से जघन्य और उत्कृष्ट खाली 2 ही भव करेंगे। देव मर के पृथ्वी पानी या वनस्पति में उत्पन्न होते हैं, परंतु पृथ्वी आदि के जीव मरने के बाद देव नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पृथ्वी का आदि के जीव मरने के बाद देव नहीं होंगे, लेकिन देव मरने के बाद पृथ्वी पानी पृथ्वी का अपकाय और वनस्पति काय में जरूर उत्पन्न होंगे। असुर कुमार की स्थिति है जगन्य से 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट से 1 सागरों पर, और पृथ्वी का की स्थिति है जगन्य से अंतर्मुर्त और उत्कृष्ट से 22,000 सागरों पर। तो ये 9 प्रकार के इनके यहाँ गमक बताए गए हैं, उसी में हमको ये इतनी आयु समझ लेनी चाहिए। नाणत्ता 4 होता है, कोई भी स्थान में औदारिक के कोई भी स्थान में आए, जब देव जब औदारिक के कोई भी जाति में या गति में प्रवेश करके जन्म ले, तब उनका 4 नाणत्ता होगा। जघन्य गमक होगा तो 2 नाणत्ता होगा। पहला नाणत्ता है आयुष्य 10,000 वर्ष का ही और अनुबंध आयुष्य के अनुसार। जघन्य गमक में कोई उत्कृष्ट आयु नहीं होता है, तो उत्कृष्ट गमक में ही 2 नाणत्ता होंगे, और आयुष्य स्थान के अनुसार उत्कृष्ट होगा तो अनुबंध आयुष्य की तरह होगा। तो इस प्रकार से कुल 4 नाणत्ता देवों में होगा। अब वाणवेंद्र देव की बात की है, ये हो गया आपका भवनपति का, लेकिन अब वाणवेंद्र देव की बात है। वाणवेंद्र देवों का पृथ्वी काय में उत्पत्ति, पृथ्वी का एक जीव वाणवेंद्र में से आकर उत्पन्न हो तो क्या पिशाच वाणवेंद्र में से आकर उत्पन्न होते हैं? गंधर्व वाणवेंद्र से उत्पन्न हुए, पिशाच वाणवेंद्र में से गंधर्व में से आकर उत्पन्न होते। देखिए, पिशाच वाणवेंद्र में से भी और गंधर्व में से भी आकर उत्पन्न होंगे। वाणवेंद्र देव मरने के बाद पृथ्वी कायिक में उत्पन्न होते हैं, तो वो असुर कुमार की तरह 9 गमक स्थिति और कालादेश भिन्न लेकर आते हैं। उनकी स्थिति जघन्य से 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट से 1 पल्योपम की होती है। आओ, ये नाग कुमार की तरह आएंगे। ज्योतिष के देव आएंगे तो तारा, चंद्र ग्रह सूर्य नक्षत्र तारा 5 ज्योतिषों में से यहाँ आकर उत्पन्न होते हैं पृथ्वी काय में। ज्योतिषी मरने के बाद जब पृथ्वी काय में उत्पन्न हो तब 3 ज्ञान अथवा 3 अज्ञान, लेश्या मात्र एक ही तेजो लेश्या, 4 लेश्या नहीं मिलेगी इनको, मात्र एक तेजो लेश्या, पर 3 ज्ञान अथवा 3 अज्ञान, या तो 3 ज्ञान अंदर पड़ा होगा या 3 अज्ञान नियम। उनकी स्थिति कितनी, तो जघन्य से पल्योपम का 8वां भाग और उत्कृष्ट से 100,000 अधिक 1 पल्योपम, या तो 1 पल्योपम का 8वां भाग, नहीं तो 1 पल्योपम से 100,000 वर्ष अधिक, उतनी उनकी स्थिति होगी।
કરું છું એટલે કઈ નહીં, હમણાં ત્યાં સુધી તો પૂરું કરું છું. ચલો તો જ્યોતિષી દેવોમાં એકી હૈ તેજોલેશ્યા, તીન જ્ઞાન અથવા તીન અજ્ઞાન નિયમા, મતલબ સમ્યકદર્શી ભી યહાં જાતે હૈ તભી ઉનકો તીન જ્ઞાન હોતા હૈ. જ્યોતિષી દેવોમાં અસંગની તિર્યંજ પંચેન્દ્રિય ઉત્પન્ન નહીં હોતે બરાબર, ઇસીલીએ તીન અજ્ઞાન કી વિકલ્પ કી સંભાવના નહીં હોતી હૈ. સમ્યક દ્રષ્ટિ કો તીન જ્ઞાન ઓર મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો તીન અજ્ઞાન. તો યહાં સમ્યક દ્રષ્ટિ ભી જ્યોતિષમાં ઉત્પન્ન હો સકતે હૈ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ ભી ઉત્પન્ન હો સકતે હૈ. સ્થિતિ પલ્લવમ કે આઠવે ભાગ જીતની તારા વિમાન કે દેવ દેવી ઓર ઉત્કૃષ્ટ સે 1 લાખ વર્ષ અધિક એક પલ્લવમ ચંદ્ર વિમાન કે દેવ કોઈ હોતી હૈ. વૈમાનિક દેવો કી પૃથ્વી કાળ મેં ઉત્પત્તિ. અબ યે આપકે જ્યોતિષી દેવો કા હો ગયા, અબ વૈમાનિક દેવો કી બાત આઈ. તો વૈમાનિક પૃથ્વી કાયિક જીવો વૈમાનિક દેવો મેં સાકર ઉત્પન્ન હો તો કલ્પોપપન્ન વૈમાનિક દેવો મેં સાકર ઉત્પન્ન હોતે કલ્પાતીત મેં સે હોતે નહીં હૈ. યે ધ્યાન રખના, 12 દેવલોક તક કે હી દેવ યહાં આયેંગે, ઉસકે ઉપર કે અનુત્તર વિમાન ઓર 9 ગ્રહવેક વાલે દેવ પૃથ્વી કાય મેં નહીં જાતે બરાબર. હા, 12 દેવલોક તક કે જીવ યહાં જરૂર આયેંગે. સૌધર્મ કલ્પ સે લેકર અચ્યુત કલ્પ વિમાન તક યહાં આકર ઉત્પન્ન હોંગે, મગર સનત કુમાર નહીં. નહીં, એક મિનિટ, સૌધર્મ ઈશાન મેં સે હી આકર ઉત્પન્ન હોંગે ભગવાન એસા કહે રહે હૈ. સનત સે લેકર અચ્યુત કલ્પ તક કે દેવ યહાં નહીં આતે, પહેલે દૂસરે દેવલોક સે હી આયેંગે. કહાં સે આયેંગે? પહેલે ઓર દૂસરે બસ. યે દેવ સૌધર્મ કે ઓર ઈશાન દેવલોક કે દેવ મરને કે બાદ પૃથ્વી કાયિક મેં ઉત્પન્ન હોતે હૈ. उनकी स्थिति अनुबंध जगन्य से एक पल्लवम, उत्कृष्ट से 2 सागरों पर. काला देश से जगन्य एक पल्लवम, उत्कृष्ट 2 सागरों पर और 22,000 वर्ष अधिक तक वो काल गमन करेंगे. आना जाना होगा, 2 भव होगा उनका. ईशान कल्प में से देव मरने के बाद पृथ्वी कायिक में उत्पन्न होते हैं, 9 गमक उनके भी बताए गए हैं. एक पल्लवम उत्कृष्ट अधिक 2 सागरोपम. देखो ईशान देवलोक दूसरा है तो वहाँ से इनकी यहाँ आयु बढ़ जाएगी, तो यहाँ 2 सागरोपम की आयु ईशान देवलोक में. और वो जब पृथ्वी काल में उत्पन्न होते हैं तो उनकी यहाँ पर भव स्थिति भी ज़्यादा हो जाएगी. तो पृथ्वी काल में उत्पन्न होने वाले जीवों के गमा मैं बोल रही हूँ, 5 स्थावर के 2 जगन्य भव और 8 असंख्य भव भी और 8 उत्कृष्ट भव भी. देखिए ये याद रखिएगा, 5 स्थावर के 2 जगन्य तो है ही, लेकिन उत्कृष्ट या तो असंख्य हो सकते हैं या उत्कृष्ट 8 हो सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ से बाहर ही नहीं निकलने वाले जाति भव है उनके तो असंख्य ही भव होंगे. 3 विकलेन्द्रिय के जगन्य 2 और संख्यात या 8, या उत्कृष्ट में संख्यात भी हो सकते और 8 भी हो सकते. यहाँ पर आपको असंख्य नहीं बोला है, मतलब विकलेन्द्रियों में कोई जाति भव नहीं. संगनी तिर्यंज असंगनी तिर्यंज, संगनी मनुष्य के 2 भव और उत्कृष्ट 8 भव, समूर्छे मनुष्य 2 और उत्कृष्ट 8, 10 भवनपति व्यंतर ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक, ऐसे 14 प्रकार के देवों के भी 2 जगन्य 2 उत्कृष्ट. मतलब ये हो गया कि आपको स्थावर में ही असंख्य भव वाले मिलेंगे, जाति भव जीव स्थावर से बाहर नहीं है बराबर, 5 एकेंद्रिय स्थावर में ही मिलेंगे. समझ में आ गया? तो खास ये भव, बाकी नाणता और वो तो उसके सबके अलग अलग आएंगे, लेकिन भव परंपरा हमको बहुत अच्छे से इनकी याद रखनी है. तो ये हो गया आपका पृथ्वी काय का, अब काय का हम कल करेंगे बराबर. चल, जय जिनेन्द्र.